Hello friends, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh and we are going to start a very important series related to current affairs. और इसलिए सीरीज का नाम भी करंट अफेयर्स सीरीज रखा गया है और इस सीरीज के थ्रू हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कोविड 19 क्राइसिस के कारण इट इज कम्युनेटिंग इन द सोसाइटी और इट इज टर्निंग आउट टू बिकम कॉन्स्पिकुअस। ये कोविड 19 क्राइसिस के कारण अब ज़्यादा दिखने को मिल रही हैं। वैसे तो ये माइग्रेशन के इशू हमेशा से रही हैं बट ये कोविड 19 क्राइसिस से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले जो लोग हैं वो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं विल डिस्कस। हम देखते हैं क्या इसके क्यों क्या कारण है इसके पीछे या रीजंस क्या है, ये क्यों इतनी बड़ी व्हाइट इज टर्निंग आउट टू बिकम अ हॉट पोटैटो, रीजंस क्या है। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस क्या है कि इसे हम इसे टैकल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव एग्जिस्टिंग क्या है और करंट में भी क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं माइग्रेंट लेबरर्स को लेके। तो विल डिस्कस एवरीथिंग, विल ट्राई टू कवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग पहले तो मैं आपको कुछ बता दूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू पेपर वन, जीएस पेपर वन सोसाइटी के अंदर आता है। वहाँ पे एक टॉपिक है, उसके अंदर एक सब टॉपिक है पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और माइग्रेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक इशू है हमारे कंट्री पे। और इसके अलावा ये यहाँ से जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं या फिर ये टॉपिक आपको एसएस में पूछी जा सकती हैं और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेनली, लेकिन जो मेन है ये आपको पूछा जाता है पेपर वन सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। ठीक है, या सोशल इश्यूज के अंदर। विकिपीडिया, अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट विकिपीडिया, कि हम विकिपीडिया आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लेके आया है जहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू, सिविल सर्विसेज की सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की और ईपीएफओ के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। घर बैठ के आप आराम से कोर्स परचेज करके आराम से घर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वी प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स बोथ दी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन तो अभी आपकी क्राइसिस में भी ऑफलाइन पॉसिबल हो नहीं पा रही, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल है। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज और एनी ऑफ द कोर्सेज मेंशनड हियर यू कैन प्रिपेयर व्हाइल सिटिंग एट योर होम। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज सिविल सर्विसेज की भी, सीएपीएफ की, ईपीएफओ की, सबकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी। इस पर कोई आशंका की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो हमारी हाल में जो सामने जो हमारे एग्जाम है वो सिविल सर्विसेज 31 मई को होने वाली है। तो ये जो 31 जो मई डेट है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स मोर और लेस इट इज ऑन द वर्ज ऑफ पोस्टपोनमेंट, ये पोस्टपोनमेंट होने के कगार पे है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज निकाली है जो कि आपको 30 टेस्ट मिलेगा, 30 टेस्ट, 16 सेक्शनल टेस्ट, 10 जीएस कंप्लीट मॉक, 4 सीसेट मॉक टेस्ट और आपको पर्सनल डैशबोर्ड सिस्टम भी मिलता है। ये टेस्ट सीरीज की हमारी प्राइस 8,500 रुपये है, लेकिन आपको जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड 19 क्राइसिस यू विल बी एबल टू अवेल इट इन जस्ट 2550, 70% डिस्काउंट पे आपको ये मिल रहा है। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, कुछ लेनी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, मेरा नाम वहाँ पे है, आई एम द टेस्ट सेल कोऑर्डिनेटर ऑल्सो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, सारे कोर्सेज की, सारे टेस्ट सीरीज की लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से हमारे पेज पर विजिट करके आप You can surf it all what you want. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, चेंजेस इन माइग्रेंट पॉलिसी। अभी जो माइग्रेशन की इशू आई है या माइग्रेंट्स की जो इशू आई है, तो आपको उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट मेजर रीजंस, की रीजन क्या है जो मेजर रीजंस है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या मेंस में आंसर लिखने आप इस फोटो पॉइंट से लिखो या फिर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उससे भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं, तो आपको उन सब सारी चीज़ों पर ये मदद करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन बिहाइंड दैट कि व्हाई दिस माइग्रेंट इशू इज टर्निंग आउट टू बिकम अ हॉट पोटैटो या इट इज टर्निंग आउट टू बिकम द आई ऑफ दिस टॉपिक, ये इतनी ज़्यादा सेंटर स्टेज क्यों ले लिया है, ये इशू ने ले ली है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, द नंबर्स इन्वॉल्व्ड आर वेरी हाई, जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो दे आर ह्यूज इन नंबर्स, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन एनएसएसओ 64th राउंड एंड सेंसस 2011 डेटा सजेस्ट दैट दे आर अप्रॉक्सिमेटली 2 मिलियन डेली वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स। देखिए ये 2011 के एनएसएसओ की डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग ये 2 मिलियन है, पर अगर 2021 की बात करें या 2020 में एट प्रेजेंट हम है, लेकिन 2021 पे जब नया डेटा आएगा तो हमें ये पता चलेगा कि ये नंबर डबल भी हो सकता है, डबल भी हो गया है या डबल से ज़्यादा भी हो चुका है। ठीक है, दैट इज व्हाई ये बहुत ज़्यादा इट इज टर्निंग आउट टू बिकम कॉन्स्पिकुअस, कि हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, दे आर ह्यूज इन नंबर्स। ठीक है,
The months of February and March are a lean season for rural to rural migration, yet the current figure of interstate seasonal migrants stands about 1.4 million. देखिए लीन पीरियड में तो माइग्रेशन कम होती है रूरल टू रूरल, लेकिन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, खास करके इंटर स्टेट माइग्रेशन जो रहती है रूरल टू रूरल माइग्रेशन के जुक्स्टा पोजिशन पर या उसके मद्देनजर रखकर उसके कंपेयर अगर हम करें तो उसके कंपेरिजन में जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पहला रीज़न क्या है, द नंबर्स इन्वॉल्व आर वेरी हाई। सेकेंड, वॉट इज द रीज़न, या फिर और भी रीजन आप देख सकते हैं, फर्दर इन दिल्ली वेर 20% ऑफ बिहारी माइग्रेंट्स आर वर्किंग 0.28 टू 0.3 मिलियन सीजनल माइग्रेंट्स एंड इवन इफ हाफ ऑफ देम ट्राई टू रिटर्न होम ड्यूरिंग अ क्राइसिस फैसिलिटिंग देयर जर्नी कैन बी अ लॉजिस्टिकल इम्प्रोबेबिलिटी। देखिए होता क्या है, जैसे कि आप अभी क्राइसिस हो चुका है, आपने देखा कि बांद्रा पे लोग, मुंबई पे लोग फंसे हुए हैं, दिल्ली पे लोग फंसे हुए हैं, बेंगलोर पे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शहर में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो माइग्रेंट लेबर से वो माइग्रेट करके एक रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में आते हैं या दूसरे शहर से दूसरे का स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं काम करने के लिए। तो इस क्राइसिस में अचानक से लॉकडाउन हो गया और वो सारे फंसे हुए हैं, तो अब इनके कैसे डील किया जाए। तो एक ये एक डिजास्टर सिचुएशन है, तो इस डिजास्टर सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, ठीक है। तो ये सारे देखिए सिनेरियो है आपके सामने, इतने सारे सिनेरियो हमारे सामने हैं, हमारे कंट्री फेस कर रही है या हमारी सिटीज फेस करती हैं, तो इनसे कैसे डील किया जाए, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि अब जब अभी इनको वापस भेजना है घर, तो आप देख सकते हो कि बैंड्रा पे लोग कितने ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, लोग परेशान हो गए कि अब हमें घर भेज दो किस भी हाल, पर कैसे भेजा जाए, लॉजिस्टिक इम्प्रोबेबिलिटी मतलब असंभव हो जाता है लॉजिस्टिक से, लॉजिस्टिकली इट इज़ असंभव हो रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग कंजेशन, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा कि नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, लेकिन उसके बहुत भी सारे एक्सटर्नलिटीज़ भी हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज अभी आ रहे हैं सामने हैं। दूसरा रीजन, इंडियाज इकॉनमी डिपेंड्स ऑन द सर्विस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ये भी एक रीजन है कि क्यों माइग्रेशन ज़्यादा होती है या माइग्रेंट लेबर्स क्यों होते हैं। इकॉनमी जो है सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, सेक्टर्स सच एज कंस्ट्रक्शन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल विदाउट देम। अगर वो अचानक से चले गए या काम इन सारे सेक्टर्स में काम बंद हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और वो डेली वेजेस हैं, मोस्टली डेली वेजेस है, डेली कमाएंगे तो डेली वो खाएंगे, अब उनकी इनकम ही बंद हो गई है तो वो क्या करें, तो दे आर फेसिंग अ ह्यूज क्राइसिस, ठीक है। और अगर काम बंद हो जाता है या फिर वो माइग्रेट करते हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, अभी शहर से लोग जाना चाह रहे हैं, अगर वो चले जाते हैं अचानक से शहर छोड़ के सारे अपने गांव वापस चले जाते हैं, तो फिर ये सारे सेक्टर्स में जो काम करने वाले यही लोग हैं, इन सारे सेक्टर्स का क्या होगा, और इसकी इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ पे देखने को मिलती है, इसकी इफेक्ट हमें डायरेक्टली हमारे जीडीपी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जीडीपी पर डायरेक्ट इफेक्ट हो जाती है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स बहुत सारे सामने आ जाते हैं, तो ये सारे इश्यूज हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आफ्टर द लॉकडाउन इज लिफ्टेड will be to bring back the migrants to kickstart these sectors. अब जो बहुत सारे लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, पलायन हो चुका है बहुत सारे लोगों का, तो वो लोग आसानी से तो तुरंत आएंगे नहीं, और जब ये काम धीरे धीरे स्टार्ट होगा तो फिर इन सारे सेक्टर्स का क्या होगा, काम करने वाले लोग तो वही लोग हैं, तो एक सामने गवर्नमेंट के सामने ये सबसे बड़ी चैलेंज ये हो जाएगी कि इनको वापस कैसे लाया जाए, इनका भरोसा कैसे जीता जाए, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं। थर्ड, रिटर्न माइग्रेंट्स हैव नो कम्पनसेटरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डेली कमाएंगे तो डेली खाएंगे, अब उनका काम ही बंद हो गया है तो उनका अर्निंग भी बंद हो गया है, तो अर्निंग अगर बंद हो गया है तो अब वो हाउ विल दे सर्वाइव एंड वट विल दे डू फॉर देयर लाइवलीहुड। इसके लिए उनके पास अगर हम देखा जाए तो कोई सोशल सिक्योरिटी बोल कोई चीज़ नहीं है, तो क्या किया जाए, द पुअर स्टेट्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू सस्टेन देमसेल्फ विदाउट द रेमिटेंसेस। अब बहुत सारे ऐसा लोग, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं कि जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ से बहुत सारे लोग, बिहार हो गया, यहाँ से बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर काम करने को जाते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं अपने घर, तो फिर उनका घर चलता है। अब वो स्टेट में पैसा आ रहा है, अब वो स्टेट में पैसा जाना भी बंद हो जाएगा, और वो एक पुअर स्टेट है तो वो कैसे डील करेंगे इन सारे सिचुएशंस को, तो वो और भी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम तो ऐसे ही ज़्यादा है और भी बढ़ जाएंगी। सेकेंड, दिस विल नॉट ओनली कॉज डिमांड साइड सेटबैक्स बट ऑल्सो इम्पैक्ट न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड द वेलबींग ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन। बिल्कुल ये सही बात है। देखिए सबसे बड़ी इशू हम अगर आप देखें, अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और लाइवलीहुड जब इफेक्ट करता है तो इसके साथ जो कास्केडिंग चीज़ें रिलेटेड है तो ये कास्केडिंग इफेक्ट्स दिखाती हैं, ठीक है।
ठीक है, बहुत सारे लोग इनकम से ही सब कुछ जुड़ा होता है। अगर इनकम ही नहीं है तो कहाँ से प्रॉपर हेल्थ नहीं हो पाएगी, प्रॉपर परवरिश नहीं हो पाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, सही अच्छे एजुकेशन नहीं मिलेगी। और एक माइग्रेशन से या माइग्रेंट के साथ सबसे बड़ी इश्यू ये भी होती है कि एजुकेशन की जब हम बात करें तो ये जो ड्रॉपआउट रेट हमारी होती है एजुकेशन सिस्टम में, जो ये ड्रॉपआउट रेट है, ये ड्रॉपआउट रेट सबसे ज़्यादा इनका ही होता है, क्योंकि ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी किन कारणों से इनके काम बंद हो गया, कभी किन कारणों से इनके पैसे मिलने बंद हुए, कभी किन कारणों से इनके बच्चे काम में लग जाते हैं, फैमिली इश्यूज हो जाते हैं तो इनके बच्चे पढ़ाई छोड़ के काम में लग जाते हैं, तो बहुत सारी इश्यूज आती हैं। तो सबसे ज़्यादा ड्रॉपआउट रेट भी इनका ही होता है। कुछ दिन पहले एसर की रिपोर्ट भी आई थी तो उस पर भी ये चीज़ बताया गया था कि ड्रॉपआउट रेट्स इन कारणों से, माइग्रेशन की या माइग्रेंट्स की वजह से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन या फोर्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ एपिडेमिक्स द एग्जोडस ऑफ सीजनल माइग्रेंट क्रिएट्स अप्रिहेंशंस अबाउट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब कोई एपिडेमिक होता है तो मैंने आपको पहले बताया था, अब जैसे कि अभी वी आर इन क्राइसिस, एपिडेमिक हो चुका है तो बैंड्रा पे लोग अचानक से जमा हो गए, जो भीड़ इकट्ठा हो चुका है कि वी जस्ट वॉन्ट टू गो बैक टू आर होम्स, तो अगर वो अपने घर पर वापिस जाना चाहते हैं तो ये डर है कि इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को बोला गया है लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, लोग एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि वो डिजीज़ फैलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उस वायरस के फैलने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होंगे। ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होम और गेटिंग पेड लीव इज लार्जली अ मिडिल क्लास लग्जरी, डेली वेज अर्नर्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू स्टे एट अ डेस्टिनेशन विदाउट वर्क। ठीक है, बिना काम के तो वो रह नहीं सकते, वो क्या करें। द फैमिलीज बैक होम डिपेंड ऑन द डेली वेज सेविंग्स, अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ वर्कर्स लिव विद इन द मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स और एट वर्क साइट्स, एनी लॉकडाउन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ देयर अकोमोडेशन टू। जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे ब्रिक किन के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि ईंटे के भट्टे पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग बिहार के जो पंजाब पे आके खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर पे आके कंस्ट्रक्शन के काम पे अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है, तो वो जहाँ पे काम करते हैं उसी के आसपास डेरा बना के वो रहते हैं किसी तरह का, और टेंट बना के या कुछ बना के किसी तरह वहीं पर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत सारे पैसे, उनके वेजेस कम होते हैं तो जो पैसे ज़्यादा बचाने भी होते हैं उनको, तो इस तरह से वो किसी तरह सर्वाइव करते हैं और वो अनहाइजेनिक कंडीशंस में भी रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उनकी इनकम बंद हो गया, वहीं पे रह रहे हैं, उनका काम ही बंद हो गया है तो वहाँ पे रहेंगे कैसे, इनकम भी इफेक्ट हो गई, उनकी अकोमोडेशन की भी इशू आ जाती है, वो रहेंगे कैसे, तो फिर वो वापस भी जाना चाहते हैं। तो अब ये दैट इज वाई, ये सारे रीजन है कि माइग्रेंट एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है अभी। ठीक है, फिफ्थ रीजन, द पैथेटिक वर्किंग लिविंग कंडीशंस ऑफ माइग्रेंट्स डिफाई द वेरी आइडिया ऑफ डिसेंट वर्क एंड जनरल सिक्योरिटी, स्लम्स एंड स्लम्स लाइक कॉलोनीज आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा कम पैसे में रहते हैं, उनके वेजेस कम होती हैं और वो कम पैसे पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, तो कहीं पे भी रह लेते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जहाँ पे जैसा होता है वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और सोचते हैं कि इस कम पैसे में रह लें और थोड़े पैसे बचा लें, वो अपने घर को, उनको अपने घर पर ही भेजना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, खुद रहना भी है, तो ये सारे इशूज़ होते हैं। और वहाँ पर जब वो रहते हैं ना चाहे नाजिन कंडीशन में, तो उनके साथ बहुत सारे इशू, स्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि गटाइजेशन होती है। ठीक है, और वहाँ पर इट इज़ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो, ये बहुत बड़ा इशू है ये। ठीक है, पीपल लिविंग इन दीज एरिया सिंपली कैनॉट प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, लैक ऑफ सैनिटेशन, हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग हैव रिजल्टेड इनटू अ लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब मैंने जैसे कि मैं आपको जो सारी चीज़ें बता रही हूँ वही सारी चीज़ें ये पॉइंट्स भी बता रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आराम से वो मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज अ गेटोइजेशन। अब वो गेटोइजेशन है तो वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठे हमेशा रहते हैं, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वो क्या फॉलो करेंगे, वो कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसके कारण वहाँ पर सैनिटेशन भी प्रॉपर नहीं है, उनकी हाइजीन भी प्रॉपर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर, हेल्थ सर्विसेज, इनके कारण बहुत सारे इशूज होते हैं। तो बहुत सारे इशूज हैं माइग्रेंट के साथ। ठीक है, और माइग्रेंट जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको हमें डील करना, गवर्नेंस या गवर्नमेंट्स की इनिशिएटिव्स हम देखेंगे अभी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है इनको लेकर, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, पर ये रियलिटी है कि हमारे कंट्री में माइग्रेंट्स की रियलिटी है, वी कांट डिनाई दिस फैक्ट। ठीक है, एंड दिस इज टोटली कॉन्स्पिकुअस नाउ, अब ये तो दिख रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है। देखिए, जो पांच मेजर फोकस पॉइंट है या फोकल पॉइंट रिगार्डिंग द माइग्रेंट्स वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है इनको लेके, क्या पहले भी क्या रही है इनके लेके, कुछ लॉज हैं, क्या कानून है, विल सी टू इट। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008,
ठीक है, ये बनाया गया था 2008 में, अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको लेके उनकी सोशल सिक्योरिटी के को लेके एक एक्ट बनाया गया 2008 में। इट प्रोवाइड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। द UWS एज द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट डिफाइंस अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एज होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और वेज वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको डिफाइन किया गया है, इनकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कानून या प्रावधान बनाए गए हैं। इट हैज़ टू फीचर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, पोर्टेबल स्मार्ट कार्ड विद यूनिक वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं, ये रजिस्ट्रेशन टू फीचर्स जो है कि उनको तो पहले रजिस्टर करिए, तो रजिस्टर करेंगे तो उनकी डेटा आ गई हमारे पास कि हाँ कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब तक आपको एक आंकड़ा नहीं मिलता है तो आप उनके लिए कुछ करोगे कैसे, या फिर टारगेटेड अप्रोच कैसे फॉलो करोगे, उनका उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। पोर्टेबल स्मार्ट कार्ड विद अ यूनिक वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नंबर प्रोवाइड किया जाता है तो ये होता है कि कहीं पे भी जाए तो उनको ये पता चले कि हाँ ये वर्कर हैं, हमारे सेक्टर में काम करते हैं। एक डेटाबेस क्रिएट होता है। ठीक है, जस्ट एज कि मनरेगा में काम करने के लिए अगर जाओ तो मनरेगा में काम करने के लिए लेबर कार्ड बनवाना पड़ता है। ठीक है, ठीक उसी तरह ये प्रावधान, ये इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का। आगे देखते हैं और भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना टू एंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज वर्कर्स। ओल्ड एज प्रोटेक्शन मतलब ये एक समझ लीजिए इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कवर गवर्नमेंट के थ्रू से एक इनिशिएटिव या स्कीम एक है। ये स्कीम जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, दीज स्कीम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो, और मेंस में भी आपको ये कोट करना पड़ता है इफ़ यू आर गेटिंग एन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना टू एंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये एक इंश्योरेंस है, इस पर आप कंट्रीब्यूट करिए तो कुछ एक साल के बाद आपको पेंशन मिलेंगे फिर। ठीक है, पेंशन स्कीम है, सॉरी मैं इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, पेंशन स्कीम है। अटल पेंशन योजना, इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम एंड एम्स एट प्रोवाइडिंग अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम आफ्टर द एज ऑफ 60 टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द माइग्रेंट एंड लेबरर्स। यहाँ पे भी माइग्रेंट और लेबरर को इंक्लूड किया गया है अटल पेंशन योजना में, क्योंकि आप अगर चाहें तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। थोड़ी कंट्रीब्यूशन इसकी बहुत कम है, आप इसे लेबरर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेनली उनको सामने रख के फोकस करके ये बनाया गया था। ठीक है, 2015-16 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो यहाँ पे भी उनको कवर किया गया है कि यहाँ पे भी आप अपने लिए पेंशन स्कीम में एनरोल हो सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड, देखिए ये एक टोटली एक देखा जाए तो ये करंट में एक नया स्कीम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है और गवर्नमेंट ने बोला है कि इसे 1 जुलाई 2020 से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट की है ये। जी वन नेशन वन कार्ड ये बोलता है कि अगर आपके पास एक ही राशन कार्ड होगा और आप कहीं भी जाएं, अपने गांव पे हैं या कोई शहर पे काम करने जा रहे हैं या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ये कार्ड का राशन कार्ड काम करेगा, एक ही कार्ड पूरे इंडिया पे चलेगा, और कहीं पे भी आपको पीडीएस के थ्रू जो बेनिफिशियल पीडीएफ के थ्रू जो राशन मिलता है या पीडीएफ के थ्रू जो भी हमें सीरियल्स मिलते हैं या जो भी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो आप अवेल कर सकते हो तो इंडिया के किसी भी कोने पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे स्टेट से आए तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यह इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2020 से, और एक वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राशन कार्ड से आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी अवेल कर सकते हैं अपनी पीडीएस सिस्टम के अंदर जो राशन मिलती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंडर दी ग्राम स्वराज योजना। देखिए यहाँ पे भी इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सारे इंश्योरेंस कवर है। बोथ ऑफ द स्कीम्स प्रोवाइड फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस रेस्पेक्टिवली टू द माइग्रेंट्स एंड लेबरर्स। माइग्रेंट्स को भी और लेबरर्स को भी, ये भी इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ पर भी आप इसका फायदा वो उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जन आरोग्य योजना जिसे हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग हेल्थ कवर टू द माइग्रेंट अमंग अदर्स अगेंस्ट दी फाइनेंशियल रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एपिसोड्स। यहाँ से भी हम अवेल कर सकते, यहाँ से भी वो फायदा उठा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं आरोग्य योजना 5 लाख का, जहाँ पे हमें इंश्योरेंस कवर मिलता है आयुष्मान भारत के थ्रू, तो यहाँ पे भी वो ये चीज इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो है, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव के सामने बहुत कुछ सारे चैलेंजेस भी आते हैं, देर आर बॉटलनेक्स ऑल्सो। चैलेंजेस कैसे कैसे होती हैं कि जैसे कि इनका एक डेटाबेस क्रिएट होना कि एक्चुअल में हाँ इतने सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या डेली वेजेस हैं, इतने सारे लोग हैं, उनका एक डेटा क्रिएट होना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इतने सारे जो स्कीम्स आ रही हैं, इस स्कीम्स के बारे में उन्हें पता है भी कि नहीं है, अवेयरनेस, ये सब क्रिएटिंग अवेयरनेस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि हम अगर किसी और भी स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस, अगर हम जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है फार्मर्स को, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं, ईस्ट इंडिया पे ले लो एग्जांपल, झारखंड पे ले लो, उड़ीसा पे ले लो, तो वहाँ पे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी क्या होता है। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस इज अ बिग चैलेंज, ठीक है, उसे अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों की, हाँ आपके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इसे अवेल कर सकते हो, आप इसका लुत्फ या फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं और भी क्या, इरेस्पेक्टिव या इरेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अलावा और भी क्या चीज़ इनिशिएटिव्स हैं जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, व्हाट आर दिस सॉल्यूशंस। रिपीलिंग ऑफ द इंटर स्टेट माइग्रेशन वॉचमैन एक्ट 1979 एंड रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू एक्ट, और बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। रिपील करें इंटर स्टेट माइग्रेशन वॉचमैन जो एक्ट है उसे रिपील करें, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है उसके स्कोप को आप बड़ी करें, या ट्राई टू एनलार्ज द गैमट ऑफ दिस एक्ट सिक्योर सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008, या इसके प्रावधान में कुछ आप बढ़ोतरी करें ताकि उसे कवर किया जाए, टू इंक्लूड लीगल एंटाइटलमेंट्स टू डिफाइन द माइग्रेंट वर्कमैन एज अ सबसेट टू प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसीज ऑफ लाइवलीहुड लॉस एंड टू मेक द एक्ट लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। पहली बात तो ये कि जैसे कि एक कंटिजेंसी फंड बनाया जाए, जैसे कि अभी COVID-19 क्राइसिस है आपके सामने, तो आज के टाइम पे माइग्रेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, इन माइग्रेंट्स को लेके सरकार के पास एक ऐसा फंड होना चाहिए, जैसे कंटिजेंसी फंड के नाम से, कंटिजेंसी फंड हम बोल सकते हैं उसे, कि एक फंड ऐसा होना चाहिए कि इसकी सिक्योरिटी के लिए हो, कि ऐसा कुछ क्राइसिस आया है तो इनकी सर्वाइवल हो, इनकी जो वेज है वो इन्हें मिले, इनकी जो एंटाइटलमेंट्स है वो इनको मिले, और ये जो वर्कमैन सोशल सिक्योरिटी एक्ट है इसे लीगली एनफोर्सेबल करें। लीगली इन्फोर्सेबल करें मतलब इसे आप, इस प्रावधान को आप समाज के अंदर लेके आए, इम्प्लीमेंट करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इश्यूएंस ऑफ आधार बेस्ड यूनिक वर्क्समैन आइडेंटिटी नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ दी वर्कर्स जो है या डेली वेजेस है, और ये आधार बेस्ड यूनिक वर्कमैन आइडेंटिटी कार्ड है, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड मिले जो यूनिवर्सल हो, और एक डेटा भी क्रिएट होगा, और वो उसका जो उसकी जो ये कार्ड बनेगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या वॉक्समैन कार्ड, ये कार्ड उनके इंडिया के किसी भी कोने पे काम भी करेगी, और वो कहीं भी आराम से जा सकते हैं, और ये यूनिवर्सल इन नेचर हो, यूनिवर्सल इन नेचर होगा तो बहुत सारे फ़ायदे उसको होंगे, उनकी एक अपनी पहचान बनेगी, और उनकी एक अपनी जब पहचान बनेगी तो पहचान के हिसाब से फिर उनके लिए गवर्नेंस या गवर्नेंस पार्ट भी प्ले की जाएगी, ठीक है। और उनकी एक डेटाबेस भी क्रिएट होगी, डेटाबेस अगर क्रिएट होती है तो वी कैन फॉलो द टारगेट बेस्ड अप्रोच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टारगेटेड अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं, कि यहाँ जितने लोगों का है एक्चुअल में हम उनको टारगेट कर सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो ताकि डायरेक्ट फायदा उनको पहुंचेगा और जल्द पहुंचेगा। स्कीम्स लाइक नरेगा, PDS एंड उज्ज्वला नीड टू बी मेड पोर्टेबल एंड एक्सटेंसिव, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था वन नेशन वन राशन कार्ड जो अभी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे मनरेगा भी है, उज्ज्वला भी है। मनरेगा क्या है, स्टेट पे जाती हैं, वहाँ पे लेबर कार्ड बनता है, वहाँ पे काम करता है, लेकिन आप ऐसा करिए इन सारे एग्जिस्टिंग जो भी स्कीम्स हैं इनको आप ऐसा करिए कि पोर्टेबल कर दीजिए, पोर्टेबल कर दीजिए, मतलब कि कहीं भी वो जाए तो वो उनके लिए हो, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट पे वो है मनरेगा का काम करता है, वहाँ पे का लेबर कार्ड उसके पास है, या वहाँ कोई उस स्टेट में उस स्कीम का लुत्फ उठा सकता है, तो दूसरे स्टेट में अगर वो जाए तो वहाँ पे उस चीज़ का वो बेनिफिट नहीं उठा पाए, तो फिर दिस वुड बी अ ड्रॉबैक। तो फिर हम जो टारगेटेड बेस हमारा जो माइग्रेंट है, हम उसे फिर कैसे अप्रोच करेंगे, फिर उसके प्रॉब्लम का समाधान कैसे हो, वी विल नॉट बी एबल टू टारगेट देम, ठीक है। तो उसे पोर्टेबल करिए और एक्सटेंसिव करिए, सब कुछ कवर कराइए उसमें। देखिए यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में जानना चाहिए, यू शुड हैव अ नोट ऑफ इट।
ठीक है, यहाँ पे भी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू से भी यहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं या डेली वेजर्स हैं, इनकी कंडीशंस में कुछ सुधार आए। जियो फेंसिंग ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स इनेबलिंग अ माइग्रेंट वर्कर टू चूज लोकेशन वाइज बेनिफिट्स, सेम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये वही चीज़ है। प्रिपेयरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन डेमोग्राफी एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स एंड स्किल सेट्स। देखिए, डेटा अगर आपके पास आता है, कि डेटा आता है, एक माइग्रेंट लेबर का डेटा आता है आपके पास, इफ़ यू आर रिसीविंग अ डेटा ऑफ माइग्रेंट लेबर, तो आपको ये पता होगा कि ये लेबर किस चीज़ में काम करता है, या मिट्टी के भट्टी पे काम करता है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है, या कहीं पर भी कुछ भी कर रहा है, तो आपको पता होगा कि यहाँ किस चीज़ में ये स्किलफुल है, किस चीज़ में इसको एक्सपीरियंस है, और ये कहाँ से आया है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से आया है, और इसकी बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर ये सारी डिटेल्स अगर होती हैं, अगर ये सारे डिटेल्स गवर्नमेंट के पास है, एक डेटाबेस में है, तो हमें उसे अप्रोच करने में या उसके परेशानियों को अप्रोच करने में बहुत ही आसानी होती है। फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी उनके उनकी जो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टारगेटेड अप्रोच, टारगेटेड अप्रोच अगर हम फॉलो करते हैं, तभी हम उसको उससे फ़ायदा पहुंचा पाएंगे और जल्द पहुंचा पाएंगे, और उनके कंडीशन में सुधार आएंगे। और उनके कंडीशन में अगर सुधार आया आ जाता है, तो कंडीशन में सुधार आने के बाद फिर उसकी जो हेल्थ, उसके एजुकेशन, उसके जितने भी सारे फैसिलिटीज़ है, या जो भी ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस सब में सुधार आ जाएगा, ठीक है। इट विल हेल्प इन स्किल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, प्लानिंग फॉर मास ट्रांजिट ऑफ माइग्रेंट लेबर एंड प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंटेंजेंसी प्लान इन इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अगर ये डेटाबेस है, अगर हमारे पास ये डेटाबेस है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं आसानी से, उसके स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में काम, हमें पता है कि वो कहाँ पे काम कर रहा है, किस चीज़ का एक्सपर्ट है या नहीं है, या किस में एक्सपर्ट चीज़ की ज़रूरत है, इसे इसकी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसकी स्किल डेवलपमेंट भी हम करवा सकते हैं। उससे हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दे सकते हैं टारगेट के साथ, हमें पता है कि इतने सारे लोग हैं या नए सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सारे अफेक्टेड हो जाते हैं, ये सारे माइग्रेंट्स हैं, तो हम उसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाए सकते हैं। और इसको लेके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स किसे किसे देना चाहिए, इसकी इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है ये, कि कहाँ कहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, या फिर जिसे हम बात करते हैं कि पीएफ ग्रेच्युटी, या ये सारी चीज़ें किसे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ठीक है। विल बी टिका, अगर हम किसी और वीडियो में, जब किसी और सेशन के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में जब हम बात करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड के बारे में, तो हम इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में या किन किन सेक्टर्स में किसे प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। प्लानिंग फॉर मास ट्रांजिट ऑफ माइग्रेंट लेबर एंड प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंटेंजेंसी प्लान इमरजेंसी सिचुएशन। अगर हमारे पास पूरा डेटा है, तो हमें पता होगा, जैसे कि है अभी, अगर डेटा हम एग्जैक्ट सारा डेटा अगर हमारे पास होते हैं, तो हम दिल्ली से जो लोग यूपी पर रह रहे हैं, या मुंबई के जो गुजरात के लोग मुंबई पर रह रहे हैं, तो इनको कैसे भेजा जाता है, या कैसे उनके घर वापस किसी तरह से आराम से पहुँचा दिया जाए, या कुछ उनके लिए किया जाए, तो हमारे पास डेटा होता, तो हम टारगेटेड उनके लिए कर सकते थे, तो हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर जब आपके पास है, तो यू कैन डू अ लॉट फॉर दम, ठीक है। इसी तरह से कंटिजेंसी प्लान भी हम कर सकते थे, कि एक फंड बनाया, एक कंटिजेंसी फंड बनाया, और फंड बनाने के बाद हम इस फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं इस COVID-19 क्राइसिस जैसे सिचुएशन पे माइग्रेंट्स को लेके, ठीक है। एम्पावरिंग द इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इफेक्टिवली एंड कम्प्रिहेंसिवली डील विद द लार्जर इश्यूज रिलेटेड टू माइग्रेंट वर्कर्स। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक पॉलिटिकल आस्पेक्ट है। आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल बनती है। इंटर स्टेट काउंसिल बनाने के पीछे रीजन ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को सामने रखते हुए, कि हाँ, एक दूसरे से, एक स्टेट दूसरे स्टेट या बाकी सारे स्टेट एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके काम करें, ठीक है, तभी देश आगे बढ़ता है। तो वहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाती है, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन या इंटीमेशन बिटवीन द स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, व्हेन वी आर डीलिंग विद इश्यू ऑफ दी माइग्रेंट्स। माइग्रेंट वर्कर इश्यूज हैव कॉम्प्लेक्स सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डायमेंशंस। बिल्कुल, ये सही बात है, कॉम्प्लेक्स है। आप देखेंगे अगर माइग्रेशन, माइग्रेंट वर्कर या माइग्रेशन जो होती है, आप देखोगे तो सेंटर स्टेट का भी इशू आ जाता है इसमें, कि हाँ, ये स्कीम्स की भी, अगर फॉर एग्जाम्पल स्कीम्स की हम बात करें, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या इंटर स्टेट डायमेंशन है, या जो जो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन एंड इंटीमेशन,
ठीक है, फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द स्कीम्स एंड फॉर द गवर्नेंस एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो यहाँ पे आपको ये मैं बता दूँ कि ये COVID-19 क्राइसिस से सबसे ज़्यादा लोग जो इफेक्टेड हुए हैं वो माइग्रेंट हैं, एंड इट इज़ कॉन्स्पिकुअस नाउ, हमें न्यूज़ में देखने को भी मिल रहा है, एक इमेज भी यहाँ पे लगी हुई है। इस इमेज में आपने देखा भी होगी, वो बांद्रा की इमेज है जहाँ पे लोग सारे माइग्रेंट वर्कर्स एक जगह इकट्ठे हुए थे घर जाने के लिए। तो इनके इश्यूज़ वाकई में बहुत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इट हैज़ टू बी डेल्ट विथ ऑल हार्ट एंड सोल, एंड एन होलिस्टिक अप्रोच इज़ नीडेड। तो होप सो आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, एंड वील कम अप विद मोर ऑफ आवर वीडियोज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, और भी जो टॉपिक्स आएंगे सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एंड आपको मैं फिर से बता दूँ कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज, हमारे टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर सिविल सर्विसेज, EPFO, CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट, और इनके सारे टेस्ट सीरीज, सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। इन सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन विजिट दी पेज या विजिट आवर साइट फ्रॉम देयर। थैंक यू ऑल एंड स्टे सेफ।